पूर्वांचल में एक कहावत है, चाहे हो जाए जेल लेकिन भोकाल ना हो फेल। ऐसा ही कुछ हुआ चंदौली में। जी हाँ, वही चंदौली जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जनपद है। लोकसभा चुनावों के शोर के बीच आज बहुजन समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सत्येंद्र मौर्य ने अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ चंदौली से बसपा के अध्यक्ष घनश्याम प्रधान भी मौजूद रहे। साथ ही मौर्य के साथ तमाम बड़े नेता भी शामिल थे। नामांकन में भौकाल कम न हो इसके लिए मौर्य जी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। साथ ही वो अपनी 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल भी कमर में लगाए हुए गए थे। जब इस बात का पता पुलिस को चला तो जैसे ही वो पिस्टल को निकालना चाह रहे थे तब तक पिस्टल अचानक से ज़मीन पर गिर गई। पिस्टल गिरते ही आसपास के लोग चौंक गए और तुरंत नेताजी ने अपने सहयोगियों को पिस्टल देते हुए वहां से दूरी बना ली। पिस्टल के लाइसेंस के बारे में जब पूछे जाने पर सत्येंद्र मौर्य ने अपना लाइसेंस दिखाया। जानकारी के मुताबिक बसपा प्रत्याशी के नाम से वाराणसी से उनका लाइसेंस जारी हुआ है। इस दौरान पुलिस ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में नामांकन के दौरान आज एक दल विशेष के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आए थे। वो अपने साथ लाइसेंसी पिस्टल कैरी कर रहे थे। नामांकन स्थल से 200 मीटर की दूरी पे जहां हमने DFMD और चेकिंग फ्रेसिंग की टीम लगा रखा था, इन लोगों ने सतर्कतापूर्वक चेक किया तो उनके पास लाइसेंसी पिस्टल मिली। जब उसका हमने लाइसेंस चेक कराया और असलाह नंबर से मिलान किया गया तो उनकी लाइसेंसी पिस्टल सही है, मतलब उसका लाइसेंस इशू हुआ है। और उनको हम लोगों ने हिदायत दे के उनका असलाह उनके पक्ष में रिलीज कर दिया है कि इसको आदर्श आचार संहिता के दौरान आप कैरी नहीं करेंगे। नामांकन भरने के बाद बसपा प्रत्याशी ने मीडिया से बात में कहा अपनी जीत का दम भरा। उन्होंने कहा कि इस बार जनता चंदौली से बसपा के प्रत्याशी को जिताकर अपने अच्छे भविष्य को चुनेगी। उन्होंने कहा कि चंदौली में पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा दूसरे नंबर पर रही थी लेकिन इस बार वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और भारी मतों से विजय होंगे। साथ ही उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि चंदौली के पिछड़ेपन को केवल बहुजन समाजवादी पार्टी की नीतियां ही सही कर सकती हैं। जन कल्याण से ही देश की तरक्की संभव है। हम सभी धर्मों का भला करने के इरादे से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे सत्येंद्र मौर्य अक्सर सामाजिक कार्यों में देखे जाते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो पिछले कुछ दिन पहले उनका एक वायरल हुआ था जहां वो चुनाव प्रचार के दौरान खेतों में लगी आग को बुझाते हुए देखे गए थे। अब देखना यह है कि 4 जून को मौर्य जी की किस्मत में क्या होता है। क्या संसद की सीढ़ियां सत्येंद्र मौर्य चढ़ पाते हैं कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा।